लग रहा है जो पहाड़ टूट गया उस बच्ची पे। अरे वो भी किसी की बेटी है यार, कम से कम सम्मान कहां से करोगे, कहां से करोगे। संगत से गुण होते कि संगत से गुण जात, आप जिसके संगत में हो छोड़ो, विवाद हो जाएगा बोल दूंगा तो कुछ, ऐसा नहीं है। किसी बच्ची, वो किसी की बेटी है, किसी की बहू है, वो किसी की माँ होगी। आखिरकार खेसारी लाल यादव ने ये जता ही दिया कि पवन सिंह को वो दिखावटी मान सम्मान देते हैं, अगर सम्मान देने की बात हुई तो वो पवन सिंह को कभी कोई सम्मान नहीं देंगे। जी हाँ, पवन सिंह को लेकर अपने लाइव में खेसारी लाल यादव ने इस बात को क्लियर कर दिया है। सौम्या पोखरण का सपोर्ट करते हुए यहाँ पर खेसारी लाल यादव ने बहुत कुछ कह दिया, और उसके बाद अब खेसारी लाल यादव पवन सिंह के जो फैंस हैं उनके निशाने पर आ गए हैं। साथ ही साथ उनके कई वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं जहाँ पर वो पवन सिंह की तारीफ़ करते नज़र आ रहे हैं, तो वहीं पर ट्रोलर्स ये कह रहे हैं कि झूठी तारीफ़ बंद कीजिए खेसारी लाल यादव। साथ ही साथ यहाँ पर खेसारी लाल यादव का एक और जो वीडियो है वो खेसारी लाल यादव के फैंस के तरफ से वायरल किया जा रहा है। शादीशुदा हैं और भगवान ने एक बीबी दिया है मुझे और हम उसमें खुश हैं और वही जीवन भर रहेगी। हमें 10 करने की आदत नहीं है और ना ही हम 10 कर सकते हैं, क्योंकि हमारे संस्कार में एक से ही जीवन पार लग सकता है अगर हमारे अंदर संस्कार है तो। अनसंस्कारी के लिए 75 भी हो सकती है, बट नहीं, हम जिसका हाथ थामे हैं उसके साथ जीवन भर चलने की कसम खाए हैं और उसी के साथ चलेंगे। कि वो एक शादी में ही खुश है, उन्हें 2-4 शादी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अगर एक में नहीं खुश रह सकता, एक के साथ नहीं खुश रह सकता, तो मैं किसी के साथ खुश नहीं रह सकता। खेसारी लाल यादव का ये वीडियो भी बड़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। यहाँ पर बहुत सारे लोग पवन सिंह को ट्रोल कर रहे हैं उनके दूसरे तलाक को लेकर। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।